आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर। न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। आज हम अपना अररिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे अररिया से निकलकर फिल्मी दुनिया में अपनी कदम जमाया है। हम सब अररिया वासी के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे बीच से निकलकर हमारा भाई, हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। वैसे तो यह साउथ फिल्मों में ऐसे सपोर्टिंग एक्टर के काम करते हैं और साउथ के ही कई टीवी सीरियलों में भी नजर आए हैं एवं सोशल साइट पर साउथ की शॉर्ट फिल्मों में डायरेक्शन भी करते हैं। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अररिया के सुपरस्टार MJ अकबर से। दोस्तों, क्वारंटाइन टाइम में मुझे गुलजार शहर की एक शायरी याद आई। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आगे मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। एक नियामत है जिंदगी, इसे संभाल के रख। एक नियामत है जिंदगी, इसे संभाल के रख। कब्रिस्तान सजाने की जरूरत क्या है। दिल को बहलाने के घर में ही वजह काफी है, दिल को बहलाने के घर में ही वजह काफी है, गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम MJ अकबर है, मैं फिल्म लाइन से हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, मैंने बहुत सारी साउथ की फिल्मों में और सीरियल में एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम किया है। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जो कि सोशल वर्क रिलेटेड है। फिलहाल अभी बॉलीवुड में अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। मैं बेसिकली अररिया से हूँ, इसलिए आप सभी अररिया वासी को अररिया न्यूज चैनल, जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मिस्टर मुजम्मिल यजना साहब जो इस चैनल के लिए काम करते हैं और बहुत ही सच्ची और ग्राउंड लेवल की न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी अररिया वासी से एक अपील करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त देश और दुनिया एक बहुत बुरा वक्त से गुजर रहा है। ऐसे में हमें अपने घर में रहना है, घर से बाहर बिना वजह नहीं निकलनी है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी जाति भेदभाव को मिटाकर आपस में मिलजुल कर उन लोगों की मदद करनी है जो इस वक्त बेसहारा है, जिन्हें सहारे की सख्त जरूरत है, और उन नौजवानों को भी सहयोग करनी है जो घर से बाहर कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा रखते हैं। इससे सिर्फ उनका ही मनोबल ऊंचा नहीं होगा, उनके साथ साथ हम सभी का मनोबल ऊंचा होगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि घर पे रहें, सेफ रहें और सरकार और कानून के नियमों का पालन करें। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर।